सानिहा साहिवाल गमो मलाल। एक एहतजाज के बाद दूसरा एहतजाज। ज़ीशान के वर्सा का मैयत फिरोजपुर रोड पर रख कर एहतजाज करने का ऐलान। लवाहिकीन का कहना है वजीर कानून बशारत राजा ने ज़ीशान को दहशतगर्द करार दिया है। बशारत राजा फौरी तौर पर मुस्ताफी हों। इंसाफ न मिलने तक तदफीन नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया है लिखाना की जानिब से। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली अरबाज से, जबकि फयाज मलिक भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले बात करेंगे अली अरबाज से। अली, जैसा कि ज़ीशान की फैमिली की जानिब से ये कहा गया है जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो तदफीन नहीं करेंगे, तो आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल वहाँ पर? बिल्कुल अफसोसनाक सानिहा साहिवाल जो कल पेश आया और उसके जो मुख्तलीन थे, अब से कुछ देर कबल उनकी नमाज जनाजा यहाँ फिरोजपुर रोड पर अदा कर दी गई। जो खलील उसकी जोजा और उसकी जो बेटी थी उसकी नमाज जनाजा के बाद उनको दफनाने के लिए शहर खामोशा की तरफ रवाना कर दिया गया, जबकि उसके बाद ज़ीशान की नमाज जनाजा अदा की गई। और उसके बाद जो लवाहिकीन थे उन्होंने ये ऐलान किया कि जब तक बशारत राजा इस्तीफ़ा नहीं देंगे, क्योंकि अब से कुछ देर कबल इनके मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वज़ीर कानून की जानिब से, जिसमें कहा गया था कि ज़ीशान जो है वो दहशतगर्द है और उनके पास सबूत भी मौजूद हैं, तो इनका ये मुतालबा है कि इनको इंसाफ दिया जाए। और जब तक इंसाफ नहीं दिया जाएगा वज़ीर कानून बशारत राजा मुस्ताफ़ी नहीं होंगे, ये तदफी नहीं करेंगे। माजत मौजूद है इस वक्त, ज़ीशान के भाई मौजूद हैं एहतशाम, उससे बात करते हैं कि मज़ीद क्या मुतालबात हैं इनके। अच्छा एहतशाम, क्या मुतालबात हैं मज़ीद आप लोगों के और तदफीन कब तक करेंगे? जब तक FIR ना दें मेरी मदीयत में ज़ीशान इनके खिलाफ, मेरी मदीयत में। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा बशारत ने बयान किया ये वापस ले और माजरत करे, और ये मेरे बयान है। अच्छा, इससे पहले जो FIR दर्ज की गई है, क्योंकि पहले जो खलील और उसकी फैमिली थी उनके FIR दर्ज की गई थी उनके कत्ल के बारे में, ज़ीशान के कत्ल के बारे में FIR दर्ज की गई उनकी, सब इकट्ठा थी। बाद में कहते हैं कि नहीं हुई, जो भी मेरी मदईयत में मैं चाहता हूँ मेरे भाई की FIR काटी जाए। तो ये ज़ीशान करता क्या था, पेशे के अतबार से क्या करता था और कितने देर से आप इस इलाके में रहते हैं? हम यहाँ पे 25 साल से रहते हैं और ये सारे मोहल्लेदार इलाके के लोग हैं, घर के इर्द गिर्द पास रहते हैं, जो आए हैं खुद आए हैं, उन्होंने कहा इधर बैठना है, हमने नहीं जाना इस तरह। और ज़ीशान इधर लैपटॉप कंप्यूटर का होल सेल का काम करता था। अच्छा, तो ज़ीशान की फैमिली जो है वो कितने बच्चे हैं उसके, शादीशुदा है और मज़ीद क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? इसमें एक बेटी है ज़ीशान की, तो वो कल किसी स्कूल में एडमिशन लेगी तो वो क्या कहेंगे, दहशतगर्द की बेटी को हमने एडमिशन देना, ये चाहता हूँ कि ये लेबल ना लगे। अच्छा, तो आप खुद पेशे के अतबार से क्या करते हैं? मैं डॉल्फिन फोर्स में हूँ पेशे के लिहाज। नहीं, तो जब सरकारी महकमे में कोई अपनी जॉब लेने जाता है तो उसकी पूरी वेरिफिकेशन करते हैं, तो तब आप लोगों की ये बात सामने नहीं आई? तब मुकम्मल वेरिफिकेशन करते हैं, और मैंने अपने भाई के आईडी कार्ड की फोटो कापी दी थी साथ वेरिफिकेशन। ज़ीशान के आईडी कार्ड की फोटो कापी दी थी जब आप डॉल्फिन फोर्स में मुलाजमत? जी, तब नहीं था, इन्हें नज़र आया ये टेररिस्ट है। जी बिल्कुल, आपने इनकी राय जानी है, ये खुद भी डॉल्फिन फोर्स में मुलाजमत करते हैं और इनका यही कहना है कि इनका मुतालबात जो है वो बिल्कुल वाज़े है कि बशारत राजा जो है वो मुस्ताफ़ी हो या माफ़ी मांगे। और इसके साथ साथ जो इनका ये भी मुतालबा है कि इनकी मुदईयत में FIR दर्ज की जाए, और जब तक ये FIR दर्ज नहीं की जाएगी तब तक ये यहाँ पर तदफीन नहीं करेंगे। मैयत अभी भी यहाँ पर मौजूद है। मज़ीद भी बात करते हैं, एहतशाम से बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों जो सारे मोहल्लेदार लवाहिकीन जो है यहाँ पर मौजूद है, अगर आपके आपसे नहीं राबता किया जाता हुकूमती किसी अरकान की जानिब से या पुलिस की जानिब से, तो कितने दिन तक यहाँ पर आप लोग बैठने को? जब तक कोई मुतालबा नहीं पूरा होगा हम यहाँ पर बैठे हैं, फिर हमें भी मारेंगे। अच्छा, तो क्या कहना है पुलिस का? आप लोगों ने दोबारा FIR दर्ज करवाने के लिए रब्ता किया है पुलिस से? किसी ने रब्ता नहीं किया। आपने पुलिस से रब्ता किया FIR दर्ज करवाने, FIR कटवाने के लिए मुतल्लिका थाने में गए? नहीं, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि ये दहशतगर्द है, बात ही नहीं सुनता कोई। अच्छा, तो जो मोहल्लेदार है जब यहाँ पर जो खवातीन मौजूद है और उसकी वालदा मौजूद है, बेवा मौजूद है ज़ीशान की, वो तो बात करने के इस हालत में नहीं है। ये जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग मोहल्लेदार हैं, लवाहिकीन हैं, मुजाहिरीन हैं जी। अच्छा, तो आप ये बताएं कि ज़ीशान जो है ये, इसके अलावा कितने बच्चे हैं इसके, कितने यहाँ पर जो काम कर रहा था ये, इसके अलावा इससे पहले जो आपने बताया लैपटॉप के होलसेल का काम करता है, इससे पहले कोई हुकूमती इदारे में काम करता रहे? नहीं, ये पहले स्कूल में पढ़ाता रहा। अच्छा, स्कूल में पढ़ाने के बाद लैपटॉप का काम इसने शुरू किया? अपनी शॉप डाली कंप्यूटर की, उसके बाद होलसेल का काम कर लिया कंप्यूटर का और फिर लैपटॉप का।
जी बिल्कुल, आपने राय जानी है। ठीक है, अली अरबाज हमारे साथ मौजूद रहेगा, फयाज मलिक का रुख करेंगे। फयाज मलिक बताएगा कि तदफीन कर दी गई है। तारीख, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर खामोशा में, जहाँ पर सानिया साहिवाल में सीटीडी की फायरिंग से हलाक होने वाले खलील, उसकी बीवी और 13 साल की मासूम बेटी अरीबा की जो लाशें हैं वो तदफीन के लिए लाई गई हैं। मेरा कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ अगर आपको दिखाए तो तदफीन का अमल जो है जारी है, कब्रों की खुदाई का अमल मुकम्मल हो गया था। अब जो है मक्तूलीन की जो लाशें हैं उन्हें कब्र के अंदर उतारा जा रहा है, लहद में उतारा जा रहा है। वर्सा जो है वो तदफीन का अमल जो है मुकम्मल कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इंतहाई रिक्कत अमेज़ मनाजर थे। पहले तो अगर हम इनके घर की बात करें तो वहाँ पर भी इंतहाई रिक्कत अमेज़ मनाजर थे, अब यहाँ कब्रस्तान में भी जो है इंतहाई रिक्कत अमेज़ मनाजर हैं। धाड़े मार मार कर जो है उनके वर्सा वो रो रहे हैं और इंसाफ की अपील कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं कि हमें किस चीज़ की सज़ा दी गई, क्यों हमारे भाई भाभी और भतीजी को छोटे मासूम बच्चों के सामने मौत के घाट उतारा गया, आखिर उनका कसूर क्या था। वर्सा का कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए और जिम्मेदारान को जो है उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। शहर खामोशा कब्रस्तान की सूरत हाल इस वक्त ये है कि यहाँ पर इन तीनों लाशों की जो तदफीन है उसका अमल कुछ देर में मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जो है जो उनका अगला लाए अमल है उस हवाले से इनके वर्सा का कहना है कि हम तदफीन का अमल मुकम्मल होने के बाद अपने अगले लाए अमल से आगाही करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फयाज मलिक, आगाह कर रहे थे तदफीन के हवाले से और अली अरबाज एहतजाज के हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।